हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा गुप्ता, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी है प्याज पकौड़ा रेसिपी, जो बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से बनकर के रेडी हो जाती है। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च को काट लिए है और 1 इंच के करीब मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने आलू ले लिए हैं और आलू को भी अच्छे से धो करके मैंने कद्दूकस करके भी इसे 2-3 पानी हमने धो लिया, ताकि जितना भी स्टार्च हो आलू का वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें आलू को मतलब तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमने बेसन, आधी कप बेसन ले ली है और इसमें आधी छोटी चम्मच हमने नमक डाल दिया, आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा बस अजवाइन को हमने क्रश करके डाल लिया है और एक आधी चम्मच हमने यहाँ पे लिया है किचन किंग मसाला। और सबको प्याज है, हरी मिर्च है और आलू है, जितना हमने यहाँ पे डालने के लिए कट करके रखा था सबको अच्छे से डाल करके हम मिला लेते हैं। और यहाँ पे मैं आधी कप से भी कम पानी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आलू का भी जो अपना जूस रहता है वो साथ में मिल करके हमें इसमें ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम ज़रा सा पानी ऐड करके अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मिल करके बिल्कुल यह पकौड़ा बेसन का बैटर बन करके हमारा ये रेडी है। तो इस तरीके से हल्का सा ये गोल गोल हो जाए उस तरीके से हमें करना, इसे बिल्कुल हमें ज़्यादा गीला करके हमें नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें इसका बैटर तैयार करना है और हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है आप देख सकते हो। और इसमें हमने 1 कप के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। आप सरसों के तेल में ही इसे छाने, इसे फ्राई करें, आप किसी और तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि सरसों के तेल में पकोड़े बहुत मस्त बन करके रेडी होते हैं, बहुत टेस्टी बन करके रेडी होते हैं। तो आप यहाँ पर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से बस छोटे छोटे करके मैं जैसे बड़ी डाली जाती है उसी तरीके से हम करके जितना है हमारा उसमें डाल लेते हैं, जितना जगह कढ़ाई में जितना स्पेस है तो बस मैं डाल लेती हूँ। और उसके बाद एक मैं छान करके ऐसे निकाल लूँगी, फिर उसके बाद जितना बचा है उसके बाद मैं दोबारा और तिबारा में करके छान के निकाल लूँगी। और इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, हाई फ्लेम पे हमें नहीं तल करके निकालना, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि यह अंदर से कच्चा नहीं रहे, अंदर से भी इसे पक जाना चाहिए, अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। इसे मीडियम आंच पे या फ्राई कर ले तो आप देख सकते हैं कि यह पकते ही हमारा कढ़ाई को छोड़ देता है और इस तरीके से बहुत आसानी से मतलब यह कढ़ाई को छोड़ देता है। और ऐसे इस तरीके से आप पलट लें, ऐसे करके हम सबको एक एक करके ऐसे पलट लेते हैं और बस 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही हम मीडियम आंच पे पकाने के बाद इसे निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आप पकौड़े खाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए अभी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो गर्मा गर्म पकौड़े बना लेती हूँ। तो आलू और प्याज मिक्स करके हमने ये पकौड़े बनाए। तो हमारा बेसन यह रेडी था, बेसन का जो हमने हल्के हल्के मसाले इसमें डाल रखे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपसे हम शेयर करें यह रेसिपी। और तो हमने इसलिए वो हल्का हल्का सा हमने मसाला डाल रखा था पहले से, जो हमने आपको वीडियो में बता दिया। और आप देख सकते हैं कि हमने छान करके निकाल लिया, यह बिल्कुल ही मतलब फूला फूला सा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनता है। और आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ये आप ऐसा नहीं है कि ये चिमड़ सा ऐसे बनेगा, और ये आप इसे अच्छे से बिल्कुल फेंट लोगे तो बहुत मतलब सॉफ्ट और अच्छा क्रंची सा बनता है। तुम्हें पसंद है? तो आप देख सकते हैं कि श्रेयस को बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े और सामी को बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े। तो ऐसे मैंने हरी मिर्च इससे कम डाला था क्योंकि बच्चे खाते हैं पकौड़े, सामी भी और श्रेयस भी, इससे मैंने ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया था। और जो लाल मिर्ची हमने डाली थी वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थी जो कम तीखा होता है, और हरी मिर्च भी जो डाली थी वो भी कम तीखा वाला ही हरी मिर्च था। तो आराम से खा लेते हैं बच्चे भी, श्रेयस भी और सानवी भी। तो आप देख सकते हैं मज़े से बैठ करके खा लेते हैं। ये केचप के साथ है, इनको ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इनको केचप के साथ देती हूँ। बहुत सारा पसंद है।
आप या तो यहाँ पर धनिया पत्ता की जो चटनी होती है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी दाल की चने दाल की जो चटनी होती है आप उसके साथ खाएँ, या केचप के साथ खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हेलो कर दे एक बार, क्या खा रही हो? सालू को ये पसंद है? तीखा नहीं लग रहा है? मम्मी हरी मिर्च भी डाल दी है, सालू को तीखा नहीं लग रहा है? सानवी को ये पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े। मैं आलू के अलग से मैं आलू के स्लाइसेस बना करके उसके पकोड़े तलती थी, लेकिन आज मैंने प्याज को और आलू को मिक्स करके आज के पकोड़े मैंने बना दिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से, ज़्यादा इसमें कोई मैंने झंझट नहीं की है। और जैसे कि बारिश हो रही थी, जैसा मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपने लॉन में, तो आप देख सकते हैं कि अभी बारिश लग रहा है कि बहुत हल्की हल्की हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं मतलब 7 ही बजे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है या बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 7 बजे का ही समय है और बिल्कुल अंधेरा हो गया। आप मौसम देख सकते हैं और बारिश है, बारिश हुई है तो हर जगह भीगा भीगा सा है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और मतलब ज़्यादा ऐसा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 बजे का ही टाइम हुआ है। और 7 बजे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का मौसम हो चुका है, जबकि 7 बजे हम सब गर्मी के टाइम में ऐसे सामने वाले पार्क में हम सब टहलते थे, लेकिन अभी ऐसा मौसम हुआ है कि मतलब कोई नज़र नहीं पड़ रहा, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, बारिश है तो कहाँ से नज़र आएगा। तो चलिए वापस चलते हैं, तो मैं भी 2-4 पकौड़े खा लूँ। सच में वाकई टेस्टी पकौड़े बने हैं और यह मैंने बहुत ही मतलब कम समय में बना करके रेडी किया, कोई झंझट मैंने नहीं किया इसमें, मतलब और कम ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि बच भी जाते हैं, क्योंकि अभी खाना भी बनेगा और बच्चे खाना भी खाएंगे। तो और उसके थोड़ी देर पहले मैंने पापड़ भी छाना था, तो बच्चे पापड़ भी खाए थे, और ज़्यादा तली बनी चीज़ खाएंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी, इसे मैंने ज़्यादा भी नहीं तला था। तो आप देख सकते हैं श्रेयस खेल रहा है, सानवी भी खा रही है, मैं भी 2-4 खा लेती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को